बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है इस वक्त की ये बड़ी खबर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया। इससे पहले हमने देखा मनीष सिसोदिया के ऊपर गाज गिर चुकी है, अभी भी वो तिहाड़ जेल के अंदर है। 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें भी बुलाया है पूछताछ के लिए, उनसे भी पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को बुलाया गया है सीबीआई के जरिए। संजय सिंह की 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई की जांच की आज अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के नपने के बाद अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी घिर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। वक्त मुकर्रर किया गया है 16 अप्रैल का। संजय सिंह आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी की जांच हो रही थी, सीबीआई जांच कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उसके बाद से ये कयास आराई हो रही थी कि अगला नंबर हो सकता है अरविंद केजरीवाल का हो। ये तमाम खबरें गर्दिश कर रही थी और अब इन खबरों के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया है। 16 अप्रैल को सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंदर उथल पुथल होना लाजमी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के नपने के बाद अब अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं।